फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल, हाई स्कूल पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर। और एक पार्ट आपने इसका वीडियो देखा है जिसमें मैंने तीन स्टैंजा पढ़ाया है। अब चौथा स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। इवर इन मोशन, जो पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल, वो फौहारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फौहारा इवर इन मोशन, सदैव गति करता रहता है। मोशन मीन्स होता है गति, इवर मीन्स सदैव, फौहारा सदैव गतिशील रहता है। ब्लिथम एंड चीरी, और हमेशा ही फौहारा हमेशा ही प्रसन्न और आनंदित रहता है। ब्लिथम मीन्स प्रसन्न, चीरी मीन्स आनंदित, हमेशा ही प्रसन्न और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन, और हमेशा ही आकाश की ओर, हेवन वॉट, आकाश की ओर क्लाइंबिंग में चढ़ते हुए, हमेशा ही ऐसा लगता है कि आकाश की ओर, ऊपर की ओर वो उठता ही जा रहा है। नेवर अवियरी, और वह अपने इस कार्य से कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड टू ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। जो फौहारा है वो हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा ही वो सबसे बेस्ट, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे फौहारा जो है वो चाहे ऊपर की ओर अपने पानी को फेंकता हुआ दिखाई दे या नीचे की ओर पानी को फेंकता हुआ दिखाई दे, हमेशा ही वह चलता दिखाई देता है। मोशन दाई रेस्ट, और उसकी गति ही उसका रेस्ट है, उसकी गति ही उसका आराम है। कभी फौहारे को कहते हैं कि तुम्हारी जो गति है वही तुम्हारे लिए आराम है। मोशन दाई रेस्ट। देखिए, फुल ऑफ नेचर, फौहारा जो है वह प्रकृति से भरा हुआ है, मतलब नेचर की जो शक्तियाँ हैं उससे फौहारा भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी शक्ति उसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। टेम मीन्स कंट्रोल, उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है, फौहारे को कोई भी शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकती है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक पल फौहारा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन फिर भी इवर द सेम, लेकिन फिर भी वह सदैव एक जैसा ही रहता है और अपने कार्य को हमेशा करता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, फौहारा सदैव ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस मीन्स होता है निरंतर बिना रुके हुए चलना, एस्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर उठना, फौहारा सदैव बिना रुके ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा ही फौहारा, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, फौहारा हमेशा निरंतर संतुष्ट रहता है। सीजलेस कंटेंट मतलब निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, वह सदैव अपने कार्य को हमेशा ही एक गति से करता रहता है। दाई एलिमेंट, ये तुम्हारा स्वभाव है, कभी कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव है, चाहे अंधेरे में चाहे उजाले में तुम अबाध गति से बिना रुके हुए अपने कार्य को करते रहते हो। देखिए सबसे लास्ट स्टैंजा है ये। ग्लोरियस फाउंटेन, पोएट फौहारे को संबोधित करते हुए कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फौहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी अपने जैसा बना दो। फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनपूर्ण, कॉन्स्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, जैसे तुम हमेशा फ्रेश रहते हो, परिवर्तित रहते हो, फिर भी स्थिर रहते हो और हमेशा ऊपर की ओर उठते रहते हो, ऐसे मुझे भी, मेरे हृदय को भी ऐसा ही बना दो। फ्रेंड्स, ये पोएम द फाउंटेन ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगला पोएम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।